नमस्कार, खबर समय स्वागत में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। शिवपुरी के बैराड़ में बजरंग दल ने मंगलवार को देशभर में कुंती निवार सुमित के संगी सामूहिक श्री हनुमान चालीसा के माध्यम से हनुमंत शक्ति का व्यापक जन जागरण कर कांग्रेस सहित आतंकियों के पैरों पर अन्य संगठनों व देश विरोधी हिंदू विरोधी मानसिकता की सद्बुद्धि हेतु भगवान बजरंग बली का आह्वान किया। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय महामंत्री मिलिंद पलांडे ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि कर्नाटक कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र और उसके बाद राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश का महाराष्ट्र सहित अनेक राज्यों में कांग्रेसी व कुछ अन्य हिंदू द्रोही नेताओं द्वारा बजरंग दल को प्रतिबंधित करने व देशभक्त संगठन की तुलना की पीएफआई जैसे देशद्रोही आतंकी संगठन से करना बहुत ही अपमानजनक है, जिसको लेकर हिंदू समाज निश्चित रूप से इस तरह के अपमान का लोकतांत्रिक सबक सिखाएगा। उन्होंने कहा कि इन सारे नेताओं को क्या नहीं दिखता कि बजरंग दल देशभर में गौरक्षा, कन्या रक्षा, रक्तदान, मठ मंदिर व धर्म रक्षा के साथ धर्मांतरण और लव जिहाद को रोकने जैसे अनेक प्रकार के सेवा कार्यों में लगा हुआ है। इसके विरोध में देशभर में बजरंग दल ने हनुमान चालीसा का पाठ का विरोध जताया। बैराड़ प्रखंड में भी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर समाज के साथ सुबह 10 बजे थाने में स्थित हनुमान मंदिर पर हनुमान चालीसा का पाठ कर कांग्रेस सहित अन्य सब नेताओं जो देशद्रोही संगठनों के अनुयायी बनकर देशभक्त संगठन का विरोध कर रहे हैं उनकी सद्बुद्धि के लिए भगवान बजरंग बली से प्रार्थना की। इस अवसर पर बैराड़ आधा सैकड़ा की संख्या में बजरंग दल के कार्यकर्ता और समाज के लोग उपस्थित रहे। द्वारा जी हनुमान चालीसा का पाठ किस लिए किया जा रहा है? देश भर में बजरंग दल द्वारा विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा देश भर में हनुमान चालीसा के पाठ का आयोजन किया गया है। कारण के कांग्रेस द्वारा कर्नाटक में अपने घोषणा पत्र में बजरंग दल की तुलना पीएफआई जैसे आतंकी संगठन जो कि देश हमेशा देशद्रोही और देश विरोधी गतिविधियां करता है, पीएफआई जैसे आतंकी संगठन से बजरंग दल की तुलना की, जिसके विरोध में और बजरंग दल पर जो है प्रतिबंध लगाने का भी इन्होंने जो है उसमें घोषणा पत्र में दिया है कि बजरंग दल पर भी प्रतिबंध लगाया जाएगा जब उनकी कर्नाटक में सरकार आएगी। तो मैं इसी के विरोध में बजरंग दल द्वारा पूरे देश भर में हनुमान चालीसा के पाठ का आयोजन किया गया है, जिसमें बजरंग दल के कार्यकर्ता आज सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ पूरे देश भर में कर रहे हैं और कांग्रेस को सद्बुद्धि दी जाए, बजरंग बली भगवान उनको कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस को सद्बुद्धि दे, जिससे कि वो पहले उन्होंने राम जी के मंदिर पर उन्होंने अयोध्या में ताला डालकर राम जी को बैन किया था, आज हनुमान जी को बैन करने के प्रयास में लगे हुए हैं, जो कि उनका जो कभी नहीं हो सकता। कलयुग के राजा हनुमान जी हैं और रहेंगे, चाहे कांग्रेस कितनी भी ताकत लगा ले। उन्होंने 1992 में भी आरएसएस और बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाया था, लेकिन एक वर्ष के अंदर उनको प्रतिबंध हटाना पड़ा और इस बार भी कांग्रेस ने फिर वही जो है प्रक्रिया अपनाई है और घोषणा पत्र में कांग्रेस ने बजरंग दल पर प्रतिबंध की बात कही है। तो वो कभी नहीं हो सकता और बजरंग दल पर कभी प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। जय श्री राम। शिवपुरी से खबर समय जगत के लिए सतीश ठाकर की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल and press the bell icon.